देखा, नया आत्मविश्वास देखा। दुनिया जिनको बाद में एक अलग रूप से अलौकिक नेतृत्व करता हो, हमारे सबके आदरणीय पूजनीय युगो युगों से जिनके नाम मात्र से हमारा जीवन तर जाता है, ऐसे प्रभु राम का संबंध चित्रकूट से आता है। और ये केवल 17 लाख साल पुरानी वो बात नहीं है, यही तो कारण है कि भगवान राम राम जी ऐसे बसे चित्रकूट में कि हम सब आज भी सनातन धर्म वाले कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास और तिलक करे, आप बोल रहे हो आनंद नहीं आया है। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास चंदन घिसे, ये आनंद आया अपने आप में, जोरदार ताली बजा अपने उस युग को याद करते हुए। 17 लाख साल कम नहीं होते हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसने की बात हमारे लिए गर्व की बात है। तुलसीदास जी ने जब बोला, वो काल हमारा नहीं था, वो काल भी मुगल सत्ता का काल था, लेकिन मुगल सत्ता के काल में हमारी सनातन संस्कृति ना पहले झुकी ना तब झुकी, और अब तो समय नरेंद्र मोदी जी का इसका आनंद ही क्या छोड़ है। बोला अयोध्या वाले, अयोध्यापति प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, अब बदलते दौर में बदलते समय में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। ऐसे बदलते समय में अगर हम यह बात कर रहे हैं भगवान राम के इस देवस्थान को, हमने तो सरकार बनने के बाद ही निर्णय किया है कि हाँ हमको हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व है, हाँ हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, हाँ हम इनके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने कहा है कि जहां जहां मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री राम भगवान कृष्ण के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे, प्रत्येक स्थान को आदर्श रूप में विकसित करेंगे। जिनको जो समझना समझे, जिनको जो कहना कहे, लेकिन भगवान राम और कृष्ण को अगर अपनी संस्कृति से हटा दे, ये संभव हो सकता है क्या? कभी कोई सोच सकता है क्या? अरे आज तो नरेंद्र मोदी जी का जमाना, अयोध्या से लेकर के अरब तक, अरब कहां है सब जानते हैं। मैं 20 साल पहले दुबई में था, अरब वो स्थान है जहां दुबई में हमारे शंकराचार्य जी अमेरिका जाने के लिए कुछ देर रुके। अब शंकराचार्य जी के वस्त्र त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला, अब ये हमारे चिन्ह अगर शंकराचार्य जी धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेकिन ये वो धरती थी अरब की, उनको नीचे नहीं उतरने दिया धरती पे, अरब पे। सबने कहा कि भाई ये हिंदू चिन्ह है, इन हिंदू प्रतीक चिन्हों को धारण करके आप धरती पे पैर नहीं रख सकते। और वो दौर ऐसा था जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे शंकराचार्य का अपमान हुआ, और केवल शंकराचार्य का नहीं समूचे हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ, और वो वहां रोज इन व्यवस्थाओं को लेके चलते थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उन्होंने अपने ढंग से अपनी शासन व्यवस्था को चलाते चलाते पूरे दुनिया में भारत का क्या मान बढ़ाया, क्या सम्मान बढ़ाया, और भारत का नहीं बढ़ाया, 142 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ाया। और वहां के शेख से कहा कि क्या भैया, हमारे लोग अगर यहाँ अपने जीवन यापन करते वो अपने देवता की आराधना नहीं कर सकते, वो पूजा नहीं कर सकते, ये नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच वाला शरीर है, उनका सीना है। वहां के शेख ने कहा जितनी चाहो जमीन लो, मंदिर बनाओ धूमधाम से, ये सौभाग्य हमको मिला है। ये सनातन संस्कृति की जय जयकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से मिला, मुझे इस बात की प्रसन्नता। ये तो तुलना ही नहीं कर सकते हम, 1000 साल के इतिहास की अलौकिक घटना, 500 साल के संघर्ष का परिणाम अयोध्या जी का, और ये जो समय चल रहा है, ये समय वही आया है जिस स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था,
21वीं शताब्दी भारत की होगी और हम और आप सब मिल करके आज जिस स्थान में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, लगभग बहुत बड़े निर्माण कार्यों का यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन हमने किया है। इसी आधार पर भविष्य के अंदर लगभग 27 करोड़ की लागत से चित्रकूट के भरत घाट, विश्राम घाट और राघव प्रयाग घाट का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। अपनी सरकार ने अभी यह भूमि पूजन किया है। ये घाट नदी घाटी संस्कृति हजारों हजार साल से भारतीय संस्कृति के नाते से जानी जाती। हम अगर इनको पुष्पित पल्लवित नहीं करेंगे, हम इनकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज के अवसर पर यहाँ पर इसी के माध्यम से जैसे घाट बने तो लगभग 200 से ज्यादा केवट परिवारों को भी लाभ मिलेगा। जब घाट बनते तो घाट के कई कारण होते हैं, हम सब जानते हैं। यही इसी स्थान पर लगभग दतिया में पीताम्बरा पीठ माता के 25 करोड़ के निर्माण कार्य की आज ही सौगात दे रहा हूँ अपने यहाँ पर पीताम्बरा पीठ माता के स्थान पर। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के निर्णय का। ऐसे कई काम हैं यहाँ से जोड़ करके जिनका लोकार्पण भूमि पूजन हम करने वाले हैं, क्योंकि आज ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला केंद्र है। और जैसे हमने जानते हैं कि आमतौर पर कश्मीर की जब बात करते थे तो कश्मीर को केवल अलग ढंग से देखते थे। अब बदलते दौर में आप बताओ कोई कैसे हमारे बर्फानी बाबा को भूल सकते हैं, कोई भूल सकता अमरनाथ बाबा, अमरनाथ कश्मीर की पहचान अमरनाथ बाबा से होती है, शंकराचार्य जी की साधना स्थली से होती है। लेकिन धीरे 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 कश्मीर का और कश्मीर में रहने वालों का और बाकी वातावरण का बचा कुचा धारा 370 के कारण से, अरे कश्मीर तो वो क्यारी थी जहां 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों को जुटाने का जो निर्णय किया तो उसी आधार पर महाकवि कालिदास को कश्मीर से बुला के मध्य प्रदेश की धरती उज्जैन पे आश्रय देकर के उनकी विद्वत्ता को स्थापित किया। इतनी महान वो कश्मीर था। लेकिन काल के प्रवाह में ये धारा जो अवरुद्ध हुई इसका नुकसान हमने सबने उठाया, इस बात को हमने देखा। अमरकंटक पर आज ही प्रसाद योजना के माध्यम से 49 करोड़ की लागत से 49.98 लाख, अरे 85 तो भैया दो ही तो बचे हैं, 50 करोड़ के अमरकंटक के निर्माण कार्य का भी यहीं से आपके साथ साथ वर्चुअल रूप से उसका भी शुभारंभ कर रहा है। जोरदार ताली बजाओ नर्मदे। हमारे अपने लिए आज यह बोलने के लिए तो काफी मुद्दे हैं, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि कब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो जाए, इसलिए इस स्थान की बात कर लें ज्यादा अच्छे से। मुझे ध्यान में आया कि हमारे दो राज्यों के कारण से यहाँ पर ऐसे कई निर्माण कार्यों की कठिनाइयां होती है और नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की झंझट भी आती है। राज्य स्तर पर भी परेशानी है। वो परेशानी ये है कि नगरीय निकाय का बहुत सीमित एरिया है, लेकिन नगरीय निकाय की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, उनकी सेवाओं का अपना काम होता है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी कई काम आते हैं, दोनों को मिलाकर के काम कर पाए ऐसी कोई इकाई नहीं है। तो मुझे माननीय आपके सांसद जी जोरदार ताली बजाओ गणेश सिंह जी और आपके विधायक जी ने कहा, आते ही इनने कहा कि भाई यहाँ आपको अपने चित्रकूट विकास प्राधिकरण की घोषणा करना है। हमने कहा ये घोषणा करने में तो आनंद नहीं आ रहा, ताली तो बजी नहीं पीछे तक, जरा जोरदार एहसास तो कराओ। लेकिन अभी आधी बजवाई आधी बाकी है, ये ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये हमारे देवस्थल पे अगर धर्म ध्वजा लहराना है, सारे स्थानों को नए रूप में लाना है, तो ये मेरे आपके खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र धारण करके महाभारत में सनातन संस्कृति की जय जयकार कराई, आपकी उंगली में भी वही ताकत है। इधर आपने बटन दबाया, नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी, ये विकास का परचम ऐसे ही लहराता जाएगा। इस ताकत को पहचानना है। हमारे सबके हाथ में गोपाल कृष्ण ने बहुत बड़ा अस्त्र दिया है। आने वाले समय में अयोध्या का आनंद हमने देखा, बनारस का आनंद हमने देखा, अभी हमारा जमुना जी का
बाकी है, हमको मालूम है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की तमाम कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी हमारी सरकार सनातन संस्कृति की वो ध्वजा भी लहराएगी कि हमारे भगवान कृष्ण के उस धाम को भी हम सब दुनिया के सामने एक अलग रूप में लाने के लिए, हमारी बात को पहुंचाने के लिए सब लालायित है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलते हुए, सरकार को सुशासन के रूप में चलाते हुए, डबल इंजन सरकार के लिए दिल्ली में वापस नरेंद्र मोदी जी की सरकार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम सब संकल्प करें कि एक बार फिर मोदी सरकार, फिर एक बार इधर से आवाज आए, फिर एक बार। और अब मुझे बताया गया कि यहाँ के एसटीओ का जो ऑफिस है वो ऑफिस की मजगवा से तालमेल करना पड़ता, मेले ठेले भीड़ भाड़ विकास के काम कई कठिनाइयां आती, तो यहाँ सेल्फ एक अनुभागी अधिकारी यहाँ बैठना चाहिए। तो मैं यही से घोषणा करता हूँ, निश्चित रूप से एक अलग से अनुविभागीय अधिकारी यहाँ बैठेगा। सरकार इस निर्णय को मान करने को तैयार है, आने वाले समय में यहाँ का अलग से एसडीएम कार्यालय होगा। फिर आपने कहा गुप्त गोदावरी मोड़ चित्रकूट प्रवेश से एमपीटी चौराया, एमपीटी चौराहे से कामतानाथ एमपी यूपी बॉर्डर तक फोर लेन का निर्माण कार्य कराना है। मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ, यह फोर लेन भी यहाँ के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, इस विकास के काम को भी हम करने को तैयार है। फिर आपने कहा है परिक्रमा पथ गोदावरी सती अनुसुईया हनुमान धारा भरत घाट और अन्य स्थल पर जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को भी मुक्त कराना है, ये आप सबके मदद से ही हटाया जाएगा, इसमें कोई कोर कसर नहीं है। हमने बाबा महाकाल के महालोक को बनाने में इसी प्रकार की मदद ली, यही सहयोग लिया, इसी कारण से वो सारा अतिक्रमण हट पाया। अरे ये देवस्थान जब होते हैं शुरू शुरू में जिनका अतिक्रमण हटता उनको दुख होता है, थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा वो नाराज होते हैं, लेकिन आने वाले समय में सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को होता है। तो जब बड़े पैमाने पर लोग आते जाते तो चौड़ी सड़क भी चाहिए, सभी व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। हमने सबने देखा अब ये तो वो स्थान है जो हजारों लाखों साल से पहचान है, अभी अभी के कई नए धाम, अब बताओ शिरडी के साईं बाबा के यहाँ पे कितने लोग जाने लग गए, क्योंकि आने जाने के मार्ग अच्छे हो गए। इस व्यवस्था के आधार पर कई देवस्थान नए बन गए अभी अभी के हैं, लेकिन हमारे पुराने धाम क्यों आनंद में नहीं होना चाहिए, क्यों उनका विकास नहीं होना चाहिए, क्यों चारों तरफ इस तरह की व्यवस्था नहीं बने? हर कोई जीवन में एक सपना रखे, मैं अपना जीवन पूरा करूं उसके पहले चित्रकूट आऊं, मध्यप्रदेश के देवस्थान आऊं, क्यों इच्छा नहीं होना चाहिए? मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से चित्रकूट सहित पूरे सतना जिले के सभी नागरिकों को और धार्मिक पर्यटन के सभी केंद्रों को पूरे प्रदेश के, हमने तय किया माननीय प्रभारी भाई साहब हमारे देवस्थान को लेकर के सरकार उप मंत्रिमंडल स्तरीय समिति बना रही है। अभी केवल धर्मस्थ मंत्री उसकी चिंता कर रहे, धर्मस्थ मंत्री रहेंगे लेकिन जहां देवस्थान है वो देवस्थान मान लो मंदिर के बाहर सड़क बनाना है, अब वो नगर में है तो नगरी निकाय उसमें आ जाएगा, ग्रामीण है तो ग्रामीण पंचायत वाले आ जाएंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि मंदिर के साथ दोनों विभाग क्यों नहीं जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से वो धर्मस्व की जमीन होगी, राजस्व की जमीन होगी, राजस्व मंत्री भी जोड़ रहे हैं, धर्मस्व मंत्री भी जोड़ रहे हैं, फिर देवस्थान। जैसे उदाहरण के लिए अब ये चित्रकूट धाम में भगवान के पोशाक, भगवान के वागे, भगवान से जुड़े हुए ऐसे कई सारे अब ये वस्त्र जो बनाते हैं वो मथुरा से बन के आते हैं। अरे भाई चित्रकूट में क्यों नहीं बनना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। भगवान के मूर्तियां जयपुर से खरीदने जाते हैं वो मध्यप्रदेश में ऐसे देवस्थान में क्यों नहीं बनना चाहिए? ये सारे ग्रामोद्योग उठोद्योग के माध्यम से